नमस्ते दोस्तों, अनीता जैन रेसिपी में आपका स्वागत है। मैं अनीता जैन आज 5 किचन टिप्स बताऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। बारिश के मौसम में बिस्किट या टोस्ट सील जाते हैं। देखिए ये सील गया है, देखिए ये सीला हुआ है। तो इसे सही करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, टोस्ट ले लें और कोई भी थैली में या किसी में भी कटोरे में काय में भी रख सकते हैं। तो फ्रिज में रख दीजिए, ये मैंने फ्रिज में रख दिए थे। तो देखिए सही हो गए, देखिए कितने करारे हो गए हैं। तो जब भी सील जाए तो इन्हें फ्रिज में रख दीजिए, ये वापस पहले जैसे ही हो जाएंगे। जब भी हम दूध गर्म करते हैं तो भगोने में नीचे दूध चिपक जाता है, तो वो नहीं चिपके उसके लिए हमें पहले भगोने में थोड़ा सा पानी डाल ले और इस तरह से कर ले और फिर दूध डाल के गर्म कर ले। इससे भगोने में दूध कम चिपकेगा। जब भी हम पिसी हुई मूंग की दाल के लड्डू बनाते हैं या हलवा बनाते हैं तो इसे सेकने में काफी समय लग जाता है, तो इसके लिए हमें कम समय लगे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ये मैंने 2 कप मूंग की दाल ली थी, उसे मैंने रात भर भिगो दी थी, फिर इसे पीस के तैयार कर ली है। अब इस 2 कप की मूंग की दाल में मैंने 1/4 कप बेसन लिया है, इसे डाल देंगे और फिर सेकेंगे तो इसे सेकने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो इस तरह से जरूर बना के देखिए। ये मैंने कच्चा नारियल लिया है। जब भी हम कच्चा नारियल छीलते हैं तो वो थोड़ी देर में खराब होने लग जाता है, मतलब 1 दिन से ज्यादा नहीं चलता। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये मैंने नमक लिया है, इसमें इस तरह से नमक लगा दे, जितने पीस है उसमें इस तरह से फैला दे, तो ये 2 से 3 दिन तक चल जाएगा। जब भी हम आलू को उबालते हैं तो पहले तो आलू धोके साफ कर ले। अगर छोटे साइज के हैं तो इन्हें काटे नहीं, बड़ा साइज का है जैसे ये भी चलेगा, अगर ज्यादा बड़े साइज के हैं तो इसके 2 पीस कर ले। जो मैंने 800 ग्राम आलू लिए हैं इन्हें कुकर में डाल देंगे और अब इसमें हमें पानी डालना है, तो पानी ज्यादा नहीं डाले, बस आलू आधे डूबे, पूरे नहीं, पूरे ज्यादा डूबेंगे तो इसको उबलने में ज्यादा समय लग जाता है। और इसमें 1 चम्मच नमक डाल दे, इससे आलू का टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। और ढक्कन लगा देंगे और फिर 4 से 5 सीटी लेंगे और आलू उबल के तैयार हो जाएंगे। मेरे वीडियो को लाइक इनसे जरूर करिए और आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।